चलिए, आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर पर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि इसके पहले हमने तीन मॉडल डिस्कस कर लिए हैं। किसके भैया? पीरियोडिक टेबल के। पहला मॉडल था डोबरनियर ट्रेड वाला मॉडल, डोबरनियर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, और उसके बाद आता है कौन सा? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। और अब आने वाली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे भैया एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, सीधी सीधी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं प्रेजेंट न्यूक्लियस में, उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने प्रोटॉन हुआ करते हैं उसे हम उसका एटॉमिक नंबर बोला करते हैं। बस ये बात होती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो भैया, ये किसी का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल, जिसको मैं बोलूँगा जीरो पार्टिकल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके इन दोनों पार्टिकल को बोला जाता है न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस के निवासी न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन को नंबर को ही काउंट करके आप कह दोगे क्या एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सोडियम होता है 11Na23, ये होता है सोडियम 11Na23। तो 11Na23 का मतलब इसके अंदर 11 होंगे पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस 11 हो गए प्लस पार्टिकल। समझ में आया? तो ये जो नीचे लिखा होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस। और ये जो ऊपर लिखा होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। देखो भैया, टोटल 23 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब जिसको मिला करके मैं बोलता था न्यूक्लियॉन। क्या बोलता था? न्यूक्लियॉन में दो पार्टिकल हैं, तो न्यूक्लियॉन टोटल 23 हैं। अब उन 23 में 11 क्या हो गए? प्रोटॉन। और जो पता नहीं है उनको एन मान लो, एन क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो लियो भैया, न्यूट्रॉन एन इक्वल टू 23 माइनस कितना? 11, मतलब 12 न्यूट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 12 न्यूट्रॉन। तो इतना दूर क्यों जाना सर जी? डायरेक्टली अगर आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, एटॉमिक मास कितना है? 23। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अगर आप 23 में से 11 को माइनस कर दोगे तो 12 ही तो आएगा, मतलब न्यूट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। तो ट्रिक क्या बन गई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। कहो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? एटॉमिक मास का मतलब जेड से होता है, और एटॉमिक मास को ए से शो करते हैं बच्चों, और एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं, ए माइनस जेड। समझ गए ना? एटॉमिक मास जो होता है उसको ए से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे पास कोई एटम है, जैसे 12Mg24 मेरे पास मैग्नीशियम है। ये देखिए, मैग्नीशियम 12Mg24, 24 है मेरे पास। मैं बोलूँगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, दौड़ के बोल दो 12, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 12। तो मैं बोलूँगा भैया प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन होंगे 12। मैं बोलूँगा न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बोलोगे न्यूट्रॉन सर 24 में से 12 को माइनस कर दो, तो ये हो गया कितना? 12। मैं बोलूँगा न्यूक्लियॉन कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर न्यूक्लियॉन, मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले टोटल कितने हो गए? 24, ये कहलाएंगे न्यूक्लियॉन। मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भैया सीधा फंडा है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं? 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब इससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपसे करता हूँ। 1H1 कल मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको 1H2 पढ़ाया, और मैंने 1H3 पढ़ाया। देखिए क्या खास बात है इन तीनों में, इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1। बोलो है कि नहीं है? प्रोटॉन इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये होता है नीचे का एटॉमिक नंबर। इसमें भी प्रोटॉन कितना है?
वन, इसमें भी प्रोटॉन कितना है, वन, बोलो यस और नो। प्रोटॉन तीनों में वन है कि नहीं है स्वस्ति? यस सर। समर्थ आ रहा समझ में? यस सर। ओके, तीनों के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी वन है। अब मैं बात करूंगा न्यूट्रॉन की, अभी अभी मैंने पढ़ाया है न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से नीचे को माइनस करते हैं। बोलो पहले वाले में न्यूट्रॉन कितने? टू। अरे कहाँ टू महाराज, वन में से वन को माइनस करोगे जीरो नहीं आएगा। अगले वाले में न्यूट्रॉन कितने बेटा? वन। और अगले वाले में न्यूट्रॉन कितने? टू। ये देख लो, तो आप देख रहे हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोप्स। समझ में आया बेटा? इन तीनों हाइड्रोजन में क्या सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यस और नो? तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. मगर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख लो भैया, अलग अलग हैं। न्यूट्रॉन इसमें पहले में जीरो है, दूसरे में वन है और तीसरे में टू है। बोलो क्लियर बच्चों? Yes, तो ये कहलाते हैं अपने आइसोटोप। चलिए पढ़िए स्वास्थ्य, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय जेड। Atoms of two different elements will always have different number of protons. Atoms of same element have same number of protons and thus they are same, they have same atomic number Z. In fact, elements are defined by the number of protons they possess. For hydrogen, Z is equals 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Exactly. So hydrogen ke paas keval ek proton hota hai, isliye hydrogen का एटॉमिक नंबर कितना है? वन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ जो आप पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट। ये क्लास नाइन्थ से शुरू होता है और क्लास टेंथ में काम में आएगा, इलेवेंथ में काम में आएगा, ट्वेल्थ में काम में आएगा और जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक काम में आएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं बोहरवरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? यस, ये साइंटिस्ट का नाम था क्योंकि उन्होंने ही इस डिस्ट्रीब्यूशन को बताया था। यस, तो देखिए, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। हम एटॉमिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता उस चीज़ को जानते हैं। आप शायद पढ़ चुके हो नाइन्थ क्लास में, सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? टू। अगले में कितने होते हैं? एट। ओके, टू होते हैं, फिर एट होते हैं, फिर इसके बाद फिर से एट आते हैं, टू एट एट एटीन एटीन थर्टी सिक्स। लिख लो बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन है तरीका, टू एट एट एटीन एटीन थर्टी सिक्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चलिए तो भरना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, देखेंगे हम, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट कितने से शुरू होते हैं? ये ऑर्बिट शुरू होता है पहले ऑर्बिट से लेकर के, और ये ऑर्बिट कितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट तक जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो सेंटर में क्या होता है बच्चों? सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पूरे एटम का सबसे हैवी पार्ट हुआ करता है। न्यूक्लियस के राउंड में जो पहला ऑर्बिट होता है जिसमें आकर के इलेक्ट्रॉन अपना घर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एन इक्वल टू वन। क्या बोलते हैं बेटा? एन इक्वल टू वन मतलब शेल नंबर वन, शेल नंबर वन। यस, अब एन इक्वल टू वन होता है, इसको बोलते हैं शेल नंबर वन, और इसे हम बोलते हैं के शेल। कौन सी शेल बेटा? के शेल। फिर आती है एन इक्वल टू टू, इस शेल का नाम होता है एल शेल। कौन सा शेल? एल शेल। हाँ, शेल का मतलब वैसे जेल हुआ करता है, मगर ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों की ही जेल है, जेल बनी हुई है, इसमें आके इलेक्ट्रॉनों को ठूस दिया जाएगा, तो ये है एल शेल। फिर इसके बाद कौन सी शेल आती है बेटा एन इक्वल टू थ्री पे? एम शेल, वेरी गुड। और एन इक्वल टू फोर पे कौन सी शेल आएगी? एन शेल। तो के एल एम एन, चार शेल यहाँ पे आपको दी जाती हैं और आगे भी जाती है। तो ये देख लीजिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है और फिर एन शेल है। बोला आ गया समझ में? एन इक्वल टू वन मतलब के शेल, एन इक्वल टू टू मतलब एल शेल, एन इक्वल टू थ्री मतलब एम शेल और एन इक्वल टू फोर, कॉलोनी नंबर फोर मतलब की एन शेल। आई बात समझ में? और अब हम बता देते हैं कि किस सेल में कितने घर बने होते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो देखिए इसके लिए रूल चलता है 2n² का, किसका रूल चलता है 2n² का। तो सबसे पहले लेते हैं n इक्वल टू वन, चलिए n इक्वल टू वन में निकालिए 2 × 1 का स्क्वायर, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बोलो हाँ। मतलब n इक्वल टू वन मतलब k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। तो पहली कॉलोनी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों 2। दूसरा n इक्वल टू टू मतलब 2n² 2 × 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 × 4 जा कितना हुआ 8। मतलब अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं 8। तो अगली कॉलोनी में 8 किराएदार। अब देखते हैं तीसरी कॉलोनी में कितने किराएदार आ सकते हैं, तो n = 3 मीन्स 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 2 9 जा कितना हुआ 18। आई बात समझ में ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया देखिए, अब इन्होंने सवाल किया कि सर अभी तो आपने बताया था कि 2 8 8 18 18 36। देखिए ये शेल का तरीका नहीं है, ये भरने का तरीका है। हाँ, और ये कॉलोनी है, इसमें कितने आ जाते थे, मैंने क्या कहा, ये भरने का तरीका है। पहले 2 की फिलिंग होगी, फिर 8 की फिलिंग होगी, फिर 8 की फिलिंग होगी, फिर 18 की होगी, फिर 18 की, फिर किसकी 36 की। समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चों, यस और नो? यस सर। ओके यस, तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए कौन सा रूल चलता है 2n² इलेक्ट्रॉन का रूल चलता है, और 2n² मींस 2 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32। मतलब पहली शेल में, फर्स्ट शेल में n = 1 जिसको हम बोलते हैं के शेल, n = 2 जिसको हम बोलते हैं एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, n = 3 जिसको हम बोलते हैं एम शेल, एम शेल में कितने किराएदार 18, और n = 4 शेल में कितने किराएदार 32। आया समझ में बच्चों? यस सर। यस, सो दिस इज रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग। हाँ, रूल नंबर 2 पढ़िए स्वास्ति। ऑर्बिट्स आर फिल्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फर्स्ट n इज इक्वल्स 1 शेल फिल्ड, देन n इज इक्वल्स 2 शेल एंड सो ऑन। थर्ड, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स even if it has a capacity to accommodate more electrons. The outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons even it have capacity to accommodate more electron. आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे capacity 18 की है, हाँ या ना? But मैंने filling का तरीका मैंने बताया था 2 8 8, है ना? तो इसलिए जो अगर आप filling की बात करोगे, accommodation की बात करोगे, तो 8 से ज़्यादा कोई shell electron अपने में accommodate नहीं कर पाएगी। हाँ पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सर ऐसे क्यों होता है कि मींस एक ही इलेक्ट्रॉन्स? इसके लिए बेटा 3-4 प्रिंसिपल एक साथ मिलके काम करते हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक आप रूल पढ़ेंगे क्लास 11th में जिसका नाम है हुंड रूल, लिखना हो तो लिख लो दीवार में अपने सामने हुंड। एक रूल आएगा हुंड रूल, दूसरा रूल आएगा बेटा पाउली एक्सक्लूजन लॉ, और तीसरा रूल आएगा बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ये तीनों रूल मिल करके, तीनों साइंटिस्ट मिल करके जो योजना बनाए हैं उस योजना के बेसिस पर काम चलता है। तो ये सब 11th क्लास में आप पूछेंगे, ये 11th क्लास में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो ये रूल बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन का रूल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, और वैलेंसी भी ऑक्टेट रूल के हिसाब से तय होती है, अभी समझ में आएगा आपको। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड इट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। समझ में आया? तो जिनके 8 एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो सबके सब बहुत स्टेबल हैं, वो सबके सब क्या है, बहुत स्टेबल। तो बच्चों मैं फिर से आपसे बात करूंगा इस नंबर पर जिसको मैंने आपको लिखाया अभी अभी, क्या नंबर लिखाया मैंने आपको 2 8 8 18 18 32। यस, इस नंबर पे मैं बात करूंगा आपसे 2 8 8 18 18 32। अगर फिल होता जा रहा पूरा 2 8 8 के हिसाब से तो स्टेबिलिटी जो है आपकी बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी होती मिलेगी। बोलो क्लियर हुआ कि एग्जाम्पल दे के समझाऊँ बच्चों? लास्ट नंबर 32 है या फिर 36? 2 8 8 18 18 32। एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। आपका बिल्कुल सही कहना है ना, इसको बोलो गूगल में टाइप करता हूँ मैजिक नंबर।
मैजिक नंबर केमिस्ट्री वाला चाहिए भाई, ये तो मुझे दे रहा है कंप्यूटर वाला। हाँ बेटा 32 है, 2 8 8 18 18 32। यस 32 है, ठीक है 2 8 8 18 18 32, क्लियर? यस सर। चलो 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 चलो, बिल्कुल सही है, इसको 2 8 8 18 18 32 बोलते हैं। और इस नंबर के हिसाब से आप केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कहाँ पर बैठा है उसका नंबर भी पता लगा सकते हो। अभी मैं सिखा दूंगा कैसे यूज़ करते हैं, जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा कि कैसे करते हैं इसको। चलो तो खैर स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा था आपसे, कि आइए देखते हैं स्टेबल क्राइटेरिया कैसे होता है। अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो स्टेबल है, ओके तो लिख लो स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड। और ऑक्टेट क्या है, 2 8 8 18 18 32। इसको देख के कंफ्यूज मत हो, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, परेशान मत हो, कुछ रूल्स हैं उनको याद कर लो। 2 8 8 18 18 32। देखो अब कर रहा हूँ, देखो देखो सबसे सबसे पहला बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कितना एटॉमिक नंबर 2। ये देखो ये हीलियम का न्यूक्लियस बीच में बैठा है, और अब ये एटॉमिक नंबर 2, सॉरी इलेक्ट्रॉन भरना था मैंने प्रोटॉन भर दिया। ये लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर है? शेल कंप्लीट हो गया स्वास्ति के नहीं हुआ? यस सर। ऑक्टेट कंप्लीटेड, बोलो स्टेबल है कि नॉट स्टेबल? स्टेबल है, फुल्ली स्टेबल है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्टिव ना करे, ये इनर्ट गैस होती है। चलो आगे आते हैं, दो के बाद बेटा आगे चलते हैं अगला, अपन खुद ही भरते हैं। देखो बेटा ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में दो इलेक्ट्रॉन भर चुके थे, अब दूसरी शेल खुली, दूसरी सेल बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। 10 किसका नंबर होता है? नियॉन का। तो अगला एटम होता है नियॉन, तो नियॉन भी स्टेबल गैस होती है, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नियॉन होती है। तो 2 हो गए, 8 हो गए, अब इसके बाद थर्ड सेल शुरू होगी, कौन सी सेल बेटा? थर्ड। तो पहले में 2 भरे हुए हैं, 1 2, दूसरे में 8 भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका मन कहेगा सर पहले शेल में 2 की परमिशन थी, दूसरे में 8 की परमिशन थी, और तीसरे में आपने अभी बताई सर 18 की परमिशन थी। ये देखो सर पहले में 2 की परमिशन थी, आपने 2 भर दिए, हमें बहुत अच्छा लगा सर। दूसरे में 8 की थी सर, आपने 8 भर दिए। सर तीसरे में 18 ठूस दो ना? नहीं बेटा 18 हम नहीं रख सकते इकट्ठा, ठीक है ना? चलो तो भरना शुरू करते हैं, 2 8 10 हो चुके हैं, 10 के बाद 8 और डालेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18। बोलो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 10 तो थे पहले ही, 18 हो गया। 18 का क्या बनता है? आर्गन। क्या बनता है? आर्गन। तो देख लीजिए भैया, पहले 2 भरा गया, फिर 2 के बाद 8, 8 के बाद फिर से क्या आया? 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 + 8 + 8, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो ये स्टेबल हो रहे हैं, क्लियर हो गया स्वास्थ्य? क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलिए तो ये आप इस तरीके से ये जो हैं ये स्टेबल होते जा रहे हैं। अब देख लीजिए जो आपको सर ने बताया है वो कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप मतलब फिल्ड ग्रुप, लास्ट वाला ग्रुप जो है, इसको बोलते हैं बच्चों नोबल ग्रुप। ये है नोबल ग्रुप, ओके। देखो सबसे ऊपर कौन बैठा है बेटा? हीलियम, 2 नंबर पे, 2 में 8 जोड़ के क्या बन गया था? नियॉन। अच्छा ये सही। 2 पे 8 जोड़ करके क्या बन गया था? नियॉन। और नियॉन पे मैंने 8 जोड़ा था, क्या बन गया था? आर्गन। यस और नो? देखते जाओ सर, 0 सबसे पहले, 0 में 2 जोड़ा, तो 2 2 में 8 जोड़ के क्या बनेगा बोलो? 10।
10 में 8 जोड़ करके क्या बनेगा बोलो, 18. तो 2 फिर 8 फिर 8 फिर क्या पढ़ाया था मैंने, 18. फिर क्या पढ़ाया था, 18 प्लस 18 करो कितना आएगा, 36. 36 के बाद फिर से क्या ऐड करोगे, 18. अरे मैजिक नंबर पढ़ाया ना, 2 8 8 18 18 32. 36 में 18 जोड़ो बेटा कितना आएगा, 54. स्वास्थी लास्ट वाला नंबर क्या ऐड करवाया था तुमने, 32 ऐड करो 54 में, बोलो कितना आएगा, 86 आ गया. Yes, तो मतलब इस नंबर से ये जो मैजिक नंबर मैंने आपको बताया है 2 8 8 18 18 32, इससे आप किसी भी ग्रुप को एटॉमिक नंबर जो जो आते जा रहे हो पता कर सकते हो, है ना. Yes, sir. 18. नहीं है समझ में. हेलो. यस सर. आ गया समझ में कि नहीं आया. यस सर आ गया समझ. चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिलिंग करना सीख ली है. अब आइए देखते हैं, अब मज़ेदार खेल खेलते हैं. अब हम थोड़ी सी फिलिंग करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोलिए जी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1 2 3, क्लियर की नॉट क्लियर. भैया हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 और लिथियम में 3, क्या दिक्कत है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. यस सर. ओके, देन इसके बाद जो है बेरिलियम, एक मिनट बच्चों. हाँ सर. रुके रहते मतलब, अच्छा आज क्लास में, अच्छा स्कूल में, अच्छा 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 मैं बताता हूँ सर, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, उधर चलना था नहीं चलना था, आपका कॉल नहीं आया. हाँ ठीक है सर, मैं ठीक है, मैं क्लास लेके कॉल करता हूँ सर आपको, हैं ठीक है सर. ओके सर. सो एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू बेटा यहाँ पे देखिए, एन इक्वल टू टू शेल में जा रहा है. पहले एन इक्वल टू वन शेल में गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर एन इक्वल टू टू में गया. देखिए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में. यस सर. बेटा इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का देख लो 6 है. क्लियर हुआ. यस सर. यस सर. ठीक है. अच्छा अब देखो ध्यान से, अब मैं वैलेंसी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, वैलेंसी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग खुद ही जवाब दोगे कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है. देखो बेटा, पहली शेल में फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की है, बोलो. हाँ तो हाइड्रोजन के पास 1 है, तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 की या 2 की. हाइड्रोजन को 1 की रिक्वायरमेंट है, तो या तो 1 दे करके ये बाबा हो जाए छोड़ दे, या 1 दे करके अपना घर बना ले, बोलो या सोनू. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी 1 होगी वैलेंसी. आया समझ में. यस सर. हाँ बोलो. हीलियम कैसा है, सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है. सेटिस्फाइड है, तो जो सेटिस्फाइड हो उसकी किसी की जरूरत नहीं होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0. इसलिए हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, खुद अकेला पैदा होता है और खुद एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. क्लियर हुआ. यस सर. चलो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1. और होने कितने चाहिए बेटा टोटल बंद होने, 8. तो या तो 7 ले ले, या 1 जो है उसको भी लुटवा दे, बोलो क्या सरल, 7 लेना या 1 देना. एक देना. एक देना. देने वाली वैलेंसी हमेशा प्लस में काउंट होती है, देने वाला दानी, दानी होता पैसे वाला धनी, धन यानी प्लस, मतलब इसकी वैलेंसी होगी +1, देने का तरीका. समझ में आया. यस सर. और लेने वाला हमेशा नेगेटिव में होता है, उधारी में जाता है. समझ गए. चलो बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 हैं. तो बताओ 2 देना सरल की 6 लेना सरल. 2 देना. 2 देना. तो बेरिलियम की वैलेंसी क्या बनेगी, Be+2. आया समझ में. यस सर. बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3. होने कितने चाहिए, 8. तो 3 देना सरल या 5 लेना सरल. 3 देना. तो बोलो बोरॉन की वैलेंसी क्या बनेगी, +3 या -3. +3. बिल्कुल सही. कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8. और हैं कितने, 4. तो 4 ले या 4 दे,
दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकता है, और दोनों के पंगे से निपटने के लिए मैंने आपको कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया था कि चार देना भी बहुत मुश्किल है और चार लेना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए इसने बढ़ाया था दोस्ती का हाथ, कोवेलेंट बॉन्ड। इसने कहा था जो तेरा है वो मेरा है, कोवेलेंट बॉन्ड इसने साझेदारी कर ली थी, समझ गया ना। बट इसकी वैलेंसी एक ओनली फोर काउंट होगी, मैं ना प्लस लगा सकता हूँ, मैं ना माइनस लगा सकता हूँ। चलिए अब मैं नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ अपने तरफ से। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, मतलब अंदर 2 और बाहर 5, 1 2 3 4 5, बोलो कितने चाहिए हैं। हाँ हाँ, या तो 5 दे दे या 3 ले ले, क्या सरल, तीन लेना। तीन लेना मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -3, समझ में आया। यस सर। ओके, अगले ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन के सेंटर में 2 और बाहर टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो कितने की जरूरत, 2 की। तो 2 लेना सरल या 8 देना सरल, 6 देना सरल, दो लेना। सो वैलेंसी विल बी हाउ मच, -2। अगली बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2 अंदर और बाहर 7, 1 2 3 4 5 6, ओके, और 7, बोलो कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, या तो 1 ले ले या 7 के साथ छोड़ दे, क्या इजी है, एक ले लेना। तो वैलेंसी कितनी हुई, -1। अगला चलते हैं, यहाँ आ गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आया फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आते हैं नंबर 10 पे नियॉन पे। तो नियॉन पे आते हैं तो 2 अंदर और 8 बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो लेगा या देगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब वैलेंसी कितनी, जीरो। तो कौन से ग्रुप में आएगा, नोबल ग्रुप में आएगा या इनर्ट ग्रुप में आएगा, है ना, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये देख लो भैया, जो नियॉन है 10 लेकर के नोबल ग्रुप में बैठा हुआ बैठा है ना। यस सर। तो इस तरीके से वैलेंसी तय होती है। अब मैं आपसे बोलूंगा वैलेंसी क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर हर इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या लेता है, उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो या तो डोनेट करता है या गेन करता है, उन्हीं के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। पढ़िए स्वास्थ्य वैलेंसी के डेफिनेशन। वैलेंस, पहले वैलेंसी मत पढ़ते हैं, पहले जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, क्योंकि देखो लिथियम का सबसे बाहर ये है, यस और नो। वैलेंसी अलग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी मतलब जितना लेन देन करना है वो वैलेंसी, समझ में आया। पढ़ो बेटा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़िए स्वस्ति। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर, वैलेंस सेल, एग्जैक्टली। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। दो तरीके की शेल होती हैं, या तो स्टेबल शेल या अनस्टेबल शेल। स्टेबल शेल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल होता है उसको हम स्टेबल शेल बोलते हैं, और जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ यस, देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले के शेल से। हाँ, के शेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि के मतलब सबसे पहली। इफ के शेल आउटर मोस्ट शेल देन एन एटम देन इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पढ़ो स्वस्ति, इफ के शेल इज नॉट आउटर मोस्ट शेल, if k shell is not the outermost shell of an atom and if the atom has 8 electrons in outermost shell, the arrangement of electrons is called stable electronic configuration. Yes, to 8 electron hai to yadi shell mein to ye kehlayega aapka outermost shell fill hai, to isko hum bolenge kya, filled shell hai।
है ना, और ये स्टेबल कहलाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर आर्गन का 18 है इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ। तो 2 पहले में भरा, अगले में 8 भरा, और अगले में कितना भरा, 8 भरा, समझ गया ना। हाँ, तो ये भी कैसी है, वैलेंस है, कैसी है ये, वैलेंस है, क्लियर सर। तो फिर हीलियम हम बोले थे, अब बेटा हम बोले थे ना कि 18 पे मत जाओ, थर्ड पे 18 की जगह होती है, 18 किराएदार आ सकते हैं, मगर भरने का जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है वो फिलिंग क्राइटेरिया से अलग है, समझ में आया। ओके सर, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया 288, तो पहले में 2, अगले में 8, और फिर अगले में कितना, फिर से 8, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ चलो पढ़िए स्वस्ति। एटम्स डू केमिकल रिएक्शंस विद ईच अदर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली, नोबल गैस। रुको, एटम्स डू केमिकल रिएक्शन, एटम केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं, लेन देन क्यों करते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। अब आइए देखते हैं, अभी आपने देखा था हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो हाँ या ना। फ्लोरीन की वैलेंसी आपने देखी थी -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और बना लेगा H+, क्या बना लेगा, H+। और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, F-। और प्लस और माइनस जुड़ करके ये बना लेगा अपना बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो लेन होता है, देन होता है, और उसके बेसिस पर दोनों के बीच में रिलेशन बन जाते हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, क्लियर हो गया। तो यस, तो मतलब एटम जो होते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबल होकर के अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाला बना लेते हैं, समझ में आया। बोले स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अरे नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ो स्वास्थी, नोबल। Noble gases, helium, neon, and argon are inert as they already have a stable electronic configuration. हाँ, valency. Valency of an element is the number of electrons that its atom should give away or take to attain stable electronic configuration. Exactly. मतलब जो ले सके या दे सके वो है आपकी valency, है ना? Number of electrons जो अभी दिया या लिया, जब ना लिया ना दिया तो valency की थी zero. चलिए नेक्स्ट पढ़ो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइंस द वैलेंसी। यस, बिल्कुल सही। तो जो वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे आपके सामने सिल्वर है बेटा, सिल्वर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। देखो अब 2, 8, 8, 18 याद करो, 2, 8, 8, 18, 2 पहले में 2 है, फिर 8 है ना, फिर इसके बाद कितना हो गया है, 18, और फिर 1। बताओ अगले शेल में 32 आने वाला है भाई साहब, तो बताओ ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। 2 बेटा एक मिनट, यहाँ पे 288 होगा, हाँ ना 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 ठीक है, वो गलत भरा हुआ है, 2, 8, 8, 18 और 1 है, तो 1 दे देगा या 18 ले लेगा, एक दे देगा, समझ गए ना। अब वो क्यों गलत भरा हुआ है आप देख भी सकते हो, देखो 18 प्लस 8 26 26 प्लस 8 34, ठीक है, एक मिनट, 18 प्लस 8 26 26 प्लस 8 34 34 प्लस 2 36 एंड 36 प्लस 1 37, मतलब 10 कम हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ है इसमें, 47 लिख दिया। हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जैसे इसने भरा है, अब इसके हिसाब से देख लो जरा, नहीं नहीं हो सकता है इसका भी सही हो, 18, 18, 36, 36 प्लस 8, 44, 44 प्लस 2, 46 प्लस 1, 47। देखो इसने जो है भरने का तरीका दिया, आप इसका देखें, 2, 8, इसने जो भरने का तरीका है, इसने वो तरीका नहीं दिखाया है, इसने डायरेक्टली फिल कर दिया है,
तो अब ये सब आपको 11th क्लास में आएगा, इस पे ज़्यादा चक्कर मत करो। आपका काम केवल अभी यहाँ पे ये है कि ये देखो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा सुखी कब होगा, एक दे करके या 18 ले करके? एक दे करके। तो सिल्वर की वैलेंसी बोलो क्या बनेगी, प्लस वन। क्या बनेगी बेटा? प्लस वन। आया समझ में? Yes, sir. इसलिए जो सिल्वर के आपने देखे होंगे कंपाउंड, वो होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है प्लस वन, दादा बन जाता है और ये भिखारी लपक लेता है, समझ गया ना? तो AgCl, कोई दिक्कत? चलो हाँ, सिल्वर हैज वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सिल्वर डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट्स इट ऑक्टेट, सो द वैलेंसी ऑफ द सिल्वर इक्वल टू प्लस वन। बच्चों मैंने आपको बोरॉन की वैलेंसी पढ़ा दी, कार्बन की पढ़ा दी, नाइट्रोजन पढ़ा दी, ऑक्सीजन पढ़ा दी, फ्लोरीन पढ़ा दी, नियॉन पढ़ा दी, सोडियम मैग्नीशियम के बाद मैंने आपको ये वैलेंसी लिखी हुई हैं, ये आपको खुद से कल करके लेके आनी है, इतनी सारी वैलेंसी, समझ गए ना? इतनी वैलेंसी कर लेना, आपके आगे आने वाले क्लासेस के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और कल हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, क्या क्या कल्चर चल रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना? सर ये वाली पीडीएफ एक बार फिर से मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड।